अभी। आज के इस सेशन में हम लोग नाउन का चैप्टर 3 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टू हाई लेवल, जैसे कि पहले आपको बताया गया है, ये सेशन आपका रहने वाला है। पहले भी इसके पहले 2 हम वीडियो बना चुके हैं नाउन से रिलेटेड, जिसमें आपको नाउन के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड एटसेट्रा, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो आपको उसमें बताई गई है। नाउन को कैसे पहचानते हैं, या नाउन की और कैसे सारी जो है डेफिनेशन है, कैसे कैसे क्या सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेशन आपके पीछे रह चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग नाउन 3 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के लिए एग्जाम पूछी जाती है बार बार, ऐसे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है। और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन्स होंगे जो कभी काउंटेबल होते हैं, तो प्लूरल क्या क्या, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है, जैसे कि मिस्चीफ, सीनरी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मिस्चीफ का मिस्चीफ में एस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जाम में वेरीफाइड है, SSC के एग्जाम में पूछा गया है। बाकी ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं, इतने वर्ड ये जो अंडरलाइन किए गए हैं यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार इतने वर्ड पूछे जाते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी मीनिंग बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान वर्ड है मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्नीचर में कभी एस लगता है? तो कभी नहीं लगता भैया। एडवाइस में एस लगता है? कभी नहीं लगता है। और जो ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है इनके साथ में, आपको हम बताते हैं, इनके साथ में और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। क्या चीज है? 1 मिनट बस, ठीक है। यहाँ पर इन वर्ड्स के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पहले कभी ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। इन वर्ड्स के पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ए एन क्यों आए? साथ में 1, 2, 3, 4 ये सब भी वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें इनके बाद में, क्या हम एस या ई एस लगा सकते हैं? भाई ये अनकाउंटेबल है तो इनमें एस या ई एस नहीं लगेगा। A to Z, चाहे मिस्चीफ हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे क्रॉकरी, कोई भी A to Z वर्ड, ओके, किसी में नहीं लगेगा। फिर बात करें इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, तो A to Z जितनी भी वर्ब यहाँ पे नाउन लिखे गए हैं सब अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कैसी होती है? अनकाउंटेबल के जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, तो इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए, इसको आप देख लीजिए। लिखा हुआ है, रविंद्र गेव मी एन एडवाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रविंद्र ने मुझे एडवाइस दी कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। तो आप देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो भाई इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एडवाइस आए, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। बड़े आराम से आप कहोगे एडवाइस के पहले कभी एन का यूज नहीं किया जाता है, एडवाइस के पहले कभी आप एन नहीं लगाओगे। अगर आपको ए एन लगाने की इतना ही शौक है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस, आप जो है इसके पहले पीस ऑफ लिख दो, अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे आप इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हो। डायरेक्ट आप एडवाइस के लिए ए एन का यूज नहीं कर सकते, आई बात समझ? चाहे आप यहाँ पे एडवाइस लिखो, चाहे अ पीस ऑफ एडवाइस लिख दो, सही हो जाएगा। फिर बात करें अगले सेंटेंस में, एक और एग्जांपल दिया गया, लिखा गया, ऑल इंफॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिस मिशन। इस मिशन के बिहाफ पर सारी इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है। तो भाई ऑल के बाद में प्लूरल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। पता ये करना है कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल। अगर काउंटेबल होगा तो एस लगना सही है, और अगर अनकाउंटेबल तो कभी एस नहीं लगेगा। तो दोस्तों अभी आपको पीछे बताया गया इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इसके लिए वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव के बजाय क्या आएगा? हैज आएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिस मिशन। इस मिशन के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिसीव की गई है। अगले सेंटेंस एक और दिया गया है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, द पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्स वर्थ, वह विलियम वर्ड्स वर्थ की पोएट्रीज पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है जो अनकाउंटेबल होता है, वो है पोएट्री। पोएट्री में दोस्तों कब एस या ई एस नहीं लगता है, गलत हो गया है यहाँ पे, हमेशा पोएट्री होता है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, वहीं पे पोयम आपका एक काउंटेबल नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जबकि ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो पोएट्री में दोस्तों कभी भी एस मत लगाना। अगर आपको एस लगाना ही है तो पोयम को आप प्लूरल बनाना चाहते हो
इसमें एस लगा सकते हो, दैट विल बिकम अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके आइए बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनको हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है, कौन से वो वर्ड हैं जिनको हम हमेशा जो है सिंगुलर मानते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप सामने लिस्ट आई है, इस वर्ड ये जो वर्ड्स हैं ये सब कैसे होंगे, सम नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है। मीनिंग कैसी हो दोस्तों, सिंगुलर मीनिंग होती है। दिखने में कैसे होंगे, दिखने में प्लूरल होंगे, लुक प्लूरल, लेकिन मीनिंग सिंगुलर होगी। और क्या करें, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम, इनके साथ अगर वर्ब आएगी तो वो भी सिंगुलर आएगी। जरूरत पड़ने पे ए एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, समन, समन्स का मतलब होता है बुलावा भेजना। ओके बुलावा, जैसे कोर्ट का समन होता है तो कोर्ट का आदेश एक तरीके से। इनिंग्स, पारी होता है, पहली पारी दूसरी पारी, क्रिकेट वगैरह में मैच में बारी बारी से खेलने के लिए हम लोग इनिंग्स का यूज करते हैं, और इनिंग्स में हमेशा एस लगता है, यहाँ तक कि इनिंग्स के लिए जरूरत पड़ने पे हम लोग एन इनिंग्स भी लिखते हैं। सेम ऐसे हेडक्वार्टर्स में हमेशा एस लगता है। गुलिवर ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, एक एपिसोड का नाम है, इसमें हमेशा एस लास्ट में लगा रहेगा, इसमें अपोस्ट्रॉफी भी लगता है और लास्ट में एस भी लगता है। फिर बात करें अरेबियन नाइट्स, एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, इसमें भी हमेशा एस लगता है, एक बुक का टाइटल है, क्यों लगता है भाई, लगाया गया, उसका अपना नाम है। फिर बात करें अगले आगे, तो यहाँ पे ये कुछ जनरल वर्ड थे, आगे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम है, जितने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं जिनमें एस लगता है, जैसे इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं एस लगता है। फिर कुछ गेम के नाम होते हैं, गेम के नाम क्या है, जैसे बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, पंकज आडवाणी इसके बहुत ही फेमस प्लेयर है बिलियर्ड्स। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स चेस का समझ लीजिए छोटा भाई है, ठीक है, इसमें बोर्ड एक यूज किया जाता है चेस के जैसा ही। ओके तो ड्रॉट होता है, फिर चेस में तो एस लगता ही है। एथलेटिक्स में एस लगता है, एथलेटिक्स मतलब एक तरीके से जो जंप वगैरह करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, जैसे आपके जो है दीपा कर्माकर हो गई। ओके ऐसे जो भी प्लेयर्स हैं इनको क्या कहते हैं, एथलेटिक्स कहते हैं। जिमनास्टिक, इसमें भी एस लगता है। फिर बात करें डिजीजेज की, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें एस लगता है, मम्स, मीजल्स। ओके मम्स मतलब खसरा रोग, मीजल मतलब घोंगा रोग। रिकेट्स होता है आपका, हड्डियों में मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी कहते हो। कंजेक्टिवाइटिस होता है आपका, जिसको आप बोलते हो आंखों का एक रोग होता है, आंखें वगैरह लाल हो जाती हैं, अभी रोग चला था इसी से रिलेटेड आंखों का, जिसको आपने बोला कि जो है आई फ्लू हो गया है। फिर कुछ कंट्रीज नेम होते हैं, स्पेशल कंट्रीज नेम कुछ हैं उनमें एस लगता है, जैसे द नीदरलैंड्स, ये ऐसे वर्ड जिनके पहले आर्टिकल द भी लगता है और लास्ट में एस भी लगता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले आर्टिकल द भी लगता है और एस भी लगता है साथ में। फिर बात करें द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें दा भी लगता है और एस भी लगता है। फिलीपींस में एस भी लगता है, आर्टिकल दा भी लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सब कैसे होते हैं, इनमें एस भी लगता है और साथ में इनमें जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज, तो यहाँ पर एक्सरसाइज क्या कह रही है, आपको ध्यान रखना है ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए। लिखा है अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, लिखा हुआ अरेबियन नाइट्स, भैया अरेबियन नाइट्स में हमेशा एस लगा रहता है, और पूछा जाए उसके लिए वर्ब कैसी आती है, तो वर्ब आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इज। अरेबियन नाइट्स एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया, सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब के पहले, तो अरेबियन नाइट्स के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, इज आएगा। ओके अगला सेंटेंस लिखा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग, आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें हमेशा एस लगता है, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इनिंग, इनिंग में हमेशा एस लगता है, चाहे वो सेकेंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग हो, इसमें हमेशा एस लगेगा। आई बात समझ में, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले आप एन भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आप एस हमेशा लगा ही रहेगा, वर्ब आएगी सिंगुलर। अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या लिखा है, वर्ड्स ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे वर्ड जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे वर्ड जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं,
एंड मीनिंग इज ऑल्सो प्लूरल, और इनकी मीनिंग क्या होती है? प्लूरल होती है, दिखने में भी प्लूरल और मीनिंग में भी प्लूरल। ऐसे वर्ड कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? तो पहले यहाँ पे कॉलम में कुछ पेयरिंग वर्ड्स दिए गए हैं। पेयरिंग वर्ड्स मतलब दो चीजों से, दो पार्ट से मिलकर बनने वाले, जैसे सीजर्स। सीजर्स में हमेशा ऐसा लगता है, सीजर्स मतलब कैंची होता है, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत से ये पीडीएफ जो है पीपीटी बनाई है, बढ़िया, इतना अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी मीनिंग भी लिख दी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होती है, पेयर में बना होता, दो पार्ट होता, दो पार्ट आंखों में लगा करके आप देखते हो, बाइनोकुलर्स। एक्सपेक्टेकल्स इसका मतलब क्या था? चश्मा, दो पार्ट में, दो उसमें लेंस लगे होते हैं दोनों आंखों के लिए, एक्सपेक्टेकल्स, इसमें हमेशा ऐसा लगता है। टॉन्ग्स मतलब चिमटा, चिमटा दो पार्ट में होता है, ओके, रोटी सेकने के लिए, ओके, उसमें हमेशा ऐसा लगेगा। ट्राउजर्स दो पार्ट में होता है, पैंट्स पहनते हैं दो पार्ट में होता है, जीन्स पहनते हैं दो पार्ट में होता है। फिर कैटापुल्ट जिसको आप गुलेल कहते हैं, बी शेप में होता है, चिड़िया मारने के लिए, शिकार करने के लिए, ओके, कैटापुल्ट होता है। फिर यहाँ पे कुछ जनरल वर्ड हैं जिनको हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, अगर इनमें से आप एस हटा देंगे तो इसमें मीनिंग चेंज होने का खतरा रहता है, मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगी। तो ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश, और ऑर्डर में से एस हटा दोगे तो मीनिंग क्या हो जाएगी? क्रम की, ऑर्डर मतलब क्रम हो जाएगा। वहीं पे फोर्सेस मतलब होता है सेनाएं, और फोर्सेस में से एस हटा दोगे तो फोर्स मतलब होता है बल, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। कंटेंट मतलब होता है यहाँ विषय सूची, जो आप किसी भी बुक के स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे आप देखते हो कंटेंट्स लिखा रहता है, मतलब उसमें क्या क्या चैप्टर हैं, कौन कौन से लेसन हैं। और अगर कंटेंट लिखा जाए तो कंटेंट का मीनिंग एक वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से सेटिस्फाइड होना। आर्म्स एक ऐसा वर्ड इसका मतलब होता है दान देना, आर्म्स मतलब हथियार होता है, स्पिरिट्स मतलब उत्साह होता है, वहीं पे सेविंग्स का मतलब जमा पूंजी, जो भी आप जमा करते हो, तो हमेशा लिखा जाता है सेविंग्स अकाउंट, अभी सेविंग अकाउंट नहीं होता है। फिर आ गया रिचेज, रिच का मतलब धनी होता है, जबकि रिचेज का मतलब धन होता है, रिचेज मतलब संपत्ति होता है। वहीं पे गुड्स मतलब चीजें, और गुड मतलब अच्छा होता है, थैंक्स मतलब धन्यवाद, आउटस्कर्ट मतलब किसी भी शहर का जो बाहरी हिस्सा होता है, सरहद जिसको कह लो आप, बिलोंगिंग्स मतलब आपका सामान, प्रिमिजेज मतलब किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी एरिया का जो परिसर होता है उसके अगल बगल में, परिसर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, पास मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, आप एक चीज से बचोगे हो सकता है दूसरी एरर आपके लिए हो जाए। मार्क्स में सबसे पहली चीज तो ऐसा लगता है, चाहे कट ऑफ मार्क्स हो चाहे पास मार्क्स हो, और दूसरी चीज कभी पासिंग मार्क्स नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना, कभी पासिंग मार्क्स नाम का वर्ड नहीं होता है, पासिंग मार्क्स में पासिंग गलत वर्ड है, पास मार्क्स होता है। ये रहा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सेंटेंस में लेके आया हूँ। लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स, तो क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? कट ऑफ मार्क्स, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। आप जो है यहाँ पे जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होगा नहीं, कि आपने सोचा कि कट ऑफ मार्क्स ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जो पीछे दिया गया है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, पीछे वीडियोज आपने देखी होंगी, पढ़ाया गया है आपको, और भी कोई एरर हो सकती है, नाउन पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वही एरर हो, हमने इस बार थोड़ा सा अलग कुछ दिया, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि कट ऑफ मार्क्स तो यहाँ पे सही ही है, एरर क्या है, इसको आप कमेंट करके हमको जो है वीडियो के कमेंट करके हमको बताइएगा इस सेंटेंस में क्या एरर है। अगला सेंटेंस है लिखा हुआ ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट, ये सेंटेंस लिखा गया ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स, तो ऑल के बाद में अगर नाउन काउंटेबल प्लूरल आता है, यहाँ प्लेयर्स प्लूरल आ गया, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल आ रही है, ये भी सही है। फिर आ गया इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, जब इसकी मीनिंग होती है उत्साह तो इसमें लगता है भैया एस, ओके, और अगर इसकी मीनिंग होती है जैसे स्पिरिट मतलब एक लिक्विड होता है तो इसमें एस नहीं लगता, वो एक अनकाउंटेबल होता है, और एक स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। इस सेंस में अगर आत्मा का सेंस है तो आत्मा के सेंस में स्पिरिट काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल, इसको हमको आप कमेंट करके बताएंगे, अगर स्पिरिट का मतलब आत्मा है तो आत्मा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, आप हमको जो है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑर्डर्स फॉर इस ट्रांसफर हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री, ऑर्डर्स का मतलब क्या निकल रहा है? क्रम निकल रहा है कि आदेश निकल रहा है? तो ऑर्डर की मीनिंग यहाँ पे आ रही है आदेश,
उसके ट्रांसफर के आदेश जो है, उसके ट्रांसफर का आदेश जो है मिनिस्ट्री के द्वारा इशू कर दिया गया। आदेश के सेंस में ऑर्डर में हमेशा एस लगता है, और इसके लिए अगर कोई वर्ब आएगी तो वो भी कैसी आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हैज के बजाय क्या होना चाहिए, हैव। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके SSC बैंक NDA जो भी आप इंग्लिश के एग्जाम देने हो, तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसको जरूर लाइक करिए, कमेंट करके हमको बताइए। ये रहा बहुत ही बेहतरीन, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, आज के लेसन का। लिखा गया है सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट मीनिंग कैसी होती है, मीनिंग इनकी कैसी होती है, प्लूरल। सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नहीं होगी यहाँ पे, मीनिंग कैसी होगी, प्लूरल होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग कैसी होती है, मीनिंग इनकी प्लूरल होती है। दिखने में सिंगुलर, मीनिंग प्लूरल। देखिए पुलिस का कभी पुलिसेस नहीं बनता है, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। पीपल हमेशा रहता है, पर्सनल हमेशा रहता है, प्रेजेंटरी, इसमें कभी एस नहीं लगता है, पहली चीज। ओके, इनमें कभी एस नहीं लगेगा, इनके लास्ट में अगर आपने एस या ईएस अगर लगा दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इनमें कभी एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी वर्ड में। दूसरी चीज, ये प्लूरल वर्ड है तो इनके पहले कभी हम लोग ए या एन का यूज नहीं करेंगे। आप 2, 3, 4 का यूज कर सकते हो, लेकिन 1 का, ए का, एन का सिंगल दर्शाने की जरूरत नहीं है। आप 10, 20, 50 ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर बात आएगी वर्ब कैसी आएगी, तो इनके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, इनके लिए प्लूरल वर्ब आएगी, प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, इनमें कभी एस नहीं लगता। ये सारे वर्ड लिखे गए, इनकी मीनिंग मैंने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे लिख दी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी वर्ग, और एक पर्सनल होता है जिसका मतलब होता है जिसको आप कहते हो व्यक्तिगत, तो वो वाला पर्सनल नहीं, ये पर्सनल कर्मचारी वर्ग है। एक है पिजेंट्री मतलब किसान वर्ग, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन, जेंट्री मतलब सभ्य लोग की सभा एक तरीके से, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना जिसको आप कहते हो सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पे चढ़ के जो सेना लड़ने जाती है उसे कैवलरी कहते हैं। वहीं पे एक इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, पैदल सेना जाती है। क्रू नाविक दल होता है, फिल्म के शूटिंग में भी एक दल होता है, तो उस दल को हम क्रू कहते हैं, उसमें कई सारे वर्ड होते पर्सन होते हैं। तो क्रू एक अपने आप में ये सारे वर्ड जितने भी हैं कलेक्टिव नाउन के जैसे, लेकिन ऐसे कलेक्टिव नाउन जो पहले से ही प्लूरल है। क्लर्जी मतलब पुरोहित वर्ग, जिसको आप पादरी वर्ग भी कहते हो। वर्मिन मतलब आप कह सकते हो, दरिंदा क्या कह सकते हो, इसके लिए बढ़िया वर्ड होगा जैसे परजीवी आप कह सकते हो। कैटल मतलब जानवर होता है, जानवरों का समूह होता है। अब बात करें इनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस की, तो सेंटेंस दिया गया है। ओके, लिखा गया वर्मिन, वर्मिन मतलब जो परजीवी होते हैं, डज मस हार्म टू क्रॉप्स, जो वर्मिन होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो वर्मिन एक वर्ड आया है जो कि पहले से ही प्लूरल है, जिसके लिए हमेशा मीनिंग प्लूरल होती है, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और डज तो एक सिंगुलर वर्ब है, मैंने बताया हुआ है, जिस वर्ब में एस या यस लगा तो वो तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो आप इसमें एस हटाओ, डू लिखो यहाँ पे। वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स, वर्मिन जो होते हैं, जो परजीवी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्रॉप्स मतलब फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया, 25 आर्मी पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड एट कुपवारा सेक्टर। 25 आर्मी पर्सनल को कुपवारा सेक्टर में डिप्लॉय किया गया, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, तैनात किया गया है। तो यहाँ पे पर्सनल आपका जो है वर्ड है, देख लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग सही है कि नहीं, कहीं पर्सनल जो है व्यक्तिगत वाला लिखा हो, क्योंकि बात यहाँ पे ऑफिसर्स की हो रही है, बात यहाँ पे स्टाफ की हो रही है, कर्मचारी वर्ग की। तो स्पेलिंग सही है, इसमें एस भी नहीं लगा, ये भी सही है, इसके लिए वर्ब आ रही है प्लूरल, ये चीज भी सही है। ओके, तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। फिर अगला सेंटेंस है यहाँ पर लिखा है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो भैया कैटल एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग कभी एस नहीं लगाते, यहाँ क्या होना चाहिए था, कैटल होना चाहिए था, और इसके लिए वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है, ये भी ध्यान रखिए, वो सही है, वर्ब सही है, बस यहाँ पे कैटल में से एस हटा दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।